देश का अकेला ऐसा नेता जो मोदी सत्ता के खिलाफ लगातार पूरे देश में अलख जगाए हुए है, देश में फैलाई जा रही नफरत की दरो दीवार को मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा करने वाला इकलौता नेता। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक राहुल गांधी आज यानी 19 जून 2023 को 53 साल के हो गए हैं, लेकिन इन 5 दशकों से अधिक वक्त में सबसे खास बात यह है कि संसद का 3 बार सदस्य होने के बावजूद राहुल गांधी की संपत्ति में उनके पास खुद का घर तक नहीं है, कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है। हाल ही में संसद की सदस्यता गंवाने के बाद अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उनके सरकारी आवास में रह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिर राहुल गांधी ने इस दौरान जो भी कमाया हुआ कहां गया, आखिर कितनी संपत्ति के मालिक हैं राहुल गांधी। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के आधार पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी हर साल करीब 1 करोड़ रुपए की आमदनी पर इनकम टैक्स भरते हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो हलफनामा दायर किया था उसके हिसाब से तब उन्होंने बीते 5 साल लगातार करीब 1 करोड़ रुपए की आय पर इनकम टैक्स भरा था। हलफनामे के हिसाब से राहुल गांधी की कुल संपत्ति करीब 15 करोड़ रुपए की है, वहीं करीब 72 लाख रुपए का कर्ज भी उनके ऊपर है। दिल्ली स्थित महरौली में कुछ खेती की जमीन है जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं गुरुग्राम में एक कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस है, इसकी वैल्यू 8.75 करोड़ रुपए आंकी गई है। एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी के पास अपना घर तो नहीं है, अपना मकान तो नहीं है, लेकिन दुकान जरूर है। इसके अलावा राहुल गांधी के 3 बैंक खातों में करीब 18 लाख रुपए हैं। बॉन्ड डिवेंचर और शेयर्स में उन्होंने कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, जबकि पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में राहुल गांधी ने करीब 40 लाख रुपए का निवेश किया है और 2,91,000 रुपए मूल्य की उनके पास ज्वेलरी भी है।